अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट, जिस तरह की आप जानते हैं कि केएमयू केट मेकअप टेस्ट अरेंज हो गया है, और ये टेस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्राइवेट में एडमिशन दिया है लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए। गवर्नमेंट पे इसका केएमयू के कॉलेजेस पे, के इंस्टीट्यूट्स पे, कंस्टिट्यूट इंस्टीट्यूट पे, ये उसके लिए नहीं है। तो अगर जो लोग एक दफ़ा टेस्ट दे चुके और उन्होंने एडमिशन भी लिया हुआ है तो उनके लिए ये टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने प्राइवेट में एडमिशन लेना है और उन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ है, या उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है प्राइवेट में लेकिन टेस्ट से रह गए हैं, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे आ जाए। अगर उनका पहले से अकाउंट नहीं है तो वो अकाउंट बना लें, अगर अकाउंट है तो वो जस्ट लॉग इन हो जाए। सपोज़ मेरा अकाउंट है तो मैं जस्ट लॉग इन हो जाता होता हूँ, अगर मेरा अकाउंट नहीं था तो फिर मैं यहाँ पे अप्लाई हेयर यहाँ पे आ जाता और यहाँ अपने अपना अकाउंट बना के अप्लाई कर लेता, लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी रजिस्ट्रेशन की हुई है तो मैं ये टेस्ट देना चाहता हूँ, प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मैं लॉग इन हो जाता हूँ अपने प्रीवियस क्रेडेंशियल्स पे। जैसे ही लॉग इन हो जाओ तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन स्टेटस इज सबमिटेड, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिटेड है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या करना है, मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, तो प्रीव्यू पे आप देख लें, यहाँ पे फोटो आ रहा है, ये आपका फोटो है, यहाँ पे फॉर्म नंबर है, सीनेची है, अपने प्रोफाइल डिटेल्स है, यहाँ पे एजेंट्स के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं तो वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे चालान नंबर, पेमेंट रिकॉर्ड आ रहा है, कौन से टेस्ट के लिए आपने पेमेंट की है तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे डिटेल्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट टेस्ट रीजन और स्केड्यूल, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं पिशावर में टेस्ट देना चाहता हूँ तो पिशावर में सेलेक्ट कर देता हूँ, और रीजन इसमें नहीं है, सिर्फ पिशावर में टेस्ट होगा पारनाओ। तो यहाँ पे है केमिकेट मेकअप, लास्ट डेट, और यहाँ पे टेस्ट डेट है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है 3000, और यहाँ पे इस चेक बॉक्स को चेक करें और सेव एंड नेक्स्ट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकेट मेकअप 2023, यहाँ पे आपकी एंट्री आ गई, और यहाँ पे आप अब अपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है व्यू एंड बैंक डाउनलोड बैंक डिपॉजिट स्लिप, यहाँ पे आप आ जाए डाउनलोड केएमयू केट मेकअप 2023 डिपॉजिट स्लिप, मैं यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड हो गया। डिपॉजिट स्लिप मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ये चालान नंबर हो गया, सीनेजी डिटेल्स वगैरह सब कुछ। अब आपने क्या करा, बीओके में आपने पेमेंट करना है, बीओके में पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड पेड डिपॉजिट स्लिप, जब आप पेमेंट कर ले तो उससे पिक्चर ले ले और यहाँ पे अपलोड पेड डिपॉजिट स्लिप यहाँ पे आ जाए, केमिकेट मेकअप अपलोड कर ले और उसको सिस्टम में अपलोड कर ले, यहाँ पे वो फोटो सेलेक्ट कर ले डिपॉजिट स्लिप का और यहाँ पे अपलोड कर ले। तो यही प्रोसेस है, और ये जो लोग इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ है तो वो टेस्ट दे दें, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं है। तो ये